प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एसटीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 3 का हिंदी अध्याय 2 गुरुभक्त आरुड़ी। अध्याय 2 गुरुभक्त आरुड़ी। बहुत दिनों पहले उद्दालक नाम के मुनि वन में आश्रम बना के रहते थे। बहुत दिन पहले उद्दालक नाम के मुनि, मतलब एक मुनि थे, उनका नाम था उद्दालक। उद्दालक नाम के मुनि वन में आश्रम बना के रहते थे। आश्रम का अर्थ होता है ऋषि मुनि जहाँ रहते हैं उस स्थान को आश्रम कहते हैं। आश्रम अत्यंत मतलब बहुत सुंदर और रमणीय था। रमणीय मतलब घूमने लायक था। अत्यंत सुंदर और रमणीय था आश्रम में एक सुंदर पाठशाला थी। आज के टाइम में स्कूल जिसे कहते हैं, आश्रम में एक स्कूल थी जिसमें बहुत से बालक पढ़ते थे। जिस पाठशाला में बहुत से बालक पढ़ते थे। आश्रम के पास एक बड़ा खेत भी था जिसमें मुनि के संरक्षण में नाना प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। नाना मतलब बहुत तरह तरह की फसलें उगाई जाती थी। खेती बाड़ी का कार्य आश्रम में पढ़ने वाले छात्र ही करते थे। खेती का जो काम होता था आश्रम में पढ़ने वाले बालक ही करते थे। सभी छात्र लगन से पढ़ते थे। साथ साथ खेत का भी पूरा ध्यान रखते थे। मुनि भी छात्रों को बड़े ध्यान से पढ़ाते थे। जो उन लोग गुरु थे मुनि, वो बहुत लगन से बहुत अच्छे से बच्चों को, बालकों को पढ़ाते थे। मुनि और छात्रों में अनंत प्रेम था। मतलब जिसका अंत ही ना हो, बहुत प्रेम था। एक बार खेत में धान की फसल बोई गई जिससे हम लोग चावल निकालते हैं, वही धान की फसल बोई गई। छात्रों के परिश्रम से इस बार धान की फसल बहुत अच्छी हुई। परिश्रम मतलब क्या होता है? मेहनत। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत। छात्रों की मेहनत से इस बार धान की फसल बहुत अच्छी थी। एक दिन दोपहर बाद अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी। खूब पानी बरस रहा था। मूसलाधार मतलब बहुत तेज वर्षा होने लगी। खूब पानी बरसा। मुनि खेत के मेड़ टूटकर पानी निकल जाने की आशंका होने लगी। आशंका का अर्थ होता है संदेह। मुनि को खेत के मेड़, जो खेत में बनाए जाते हैं अलग अलग बात की तरह छोटा पतला पतला होता है, उसे मेड़ कहते हैं, मेड़ टूटकर पानी निकल जाने की आशंका होने लगी। मुनि ने छात्रों को बुलाया। छात्रों, अधिक वर्षा होने के कारण खेत में खूब पानी भर गया होगा। यदि कहीं से खेत की मेड़ टूट गई तो सारा पानी खेत से बाहर निकल जाएगा, जिससे फसल खराब हो जाएगी। क्या कोई छात्र खेत पर जा सकता है? मुनि पूछे कोई छात्र खेत पर जा सकता है? तभी एक छोटा छात्र आरुड़ी बोला। आरुड़ी एक छात्र का नाम था। तो आरुड़ी बोला, गुरुजी मैं खेत पर जाऊंगा। मुनि ने आरुड़ी को बताया, देखो बाहर बहुत तेज वर्षा हो रही है, सावधानी से जाना। मुनि बताया कि बहुत तेज बारिश हो रही है, सावधानी से जाना। यदि खेत की मेड़ कहीं से टूट गई हो तो उसे ठीक करके आना। आरुड़ी ने खेत पर जाकर देखा कि एक स्थान पर मेड़ टूट गई थी और पानी बहने लगा था। वह जल्दी जल्दी मिट्टी लाकर मेड़ की दरार में भरने लगा, किंतु पानी की तेज धारा मिट्टी को बहा देती थी। आरुड़ी मिट्टी डालते हुए थक गया तो भी पानी का बहना नहीं रुका। अंत में पानी रोकने के लिए वह स्वयं उस दरार पर लेट गया, इससे पानी का बहाव रुक गया। जब उस दरार पे पानी मिट्टी डालते डालते आरुड़ी थक गया, पानी नहीं रुका, तो खुद ही उस जगह लेट गया। शाम होने को आई। सब छात्र भोजन कर चुके थे, किंतु आरुड़ी खेत के वापस नहीं आया था। रात्रि होने पर गुरुदेव ने सब शिष्यों के साथ आरुड़ी को भी न देखकर उनसे पूछा, आरुड़ी कहाँ है?
एक शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव आपने ही तो उसे खेत देखने के लिए भेजा था, उसे ही तब से ही वह लौट कर नहीं आया है। गुरुदेव सब छात्रों को लेकर खेत की ओर चल पड़े। खेत पहुंचकर उन्होंने आरुड़ी को बुलाया। आरुड़ी बेटा तुम कहाँ हो? आरुड़ी ने दरार में लेटे लेटे उत्तर दिया, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। मुनि के साथ साथ छात्र आवाज़ की दिशा की ओर बढ़े। सबने देखा आरुड़ी खेत की टूटी मेड़ की दरार में लेटा हुआ था। वो मिट्टी से लथपथ, लथपथ का अर्थ होता है सना हुआ, मिट्टी पूरा लगा हुआ था, लथपथ था। मुनि के आज्ञा आरुड़ी मेड़ की दरार से बाहर आया। मुनि ने उसे छाती से लगा लिया। इससे यह होता है कि वो आरुड़ी अपने गुरु के आदेशों का पालन किया। इससे हम लोगों को यह सीख मिलता है कि जो हमारे गुरु कहते हैं उसका पालन हमको अवश्य करना चाहिए। अब नेक्स्ट अगला अध्याय नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।